हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अम्मार और आप देख रहे हैं मैं भी इंजीनियर। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट किस लिए किया गया था, क्या क्या फ़ायदे हुए इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद? तो दोस्तों, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट करने के लिए हर्ट्ज साहब ने इस एक्सपेरिमेंट को किया। तो दोस्तों, आज हम भी इस एक्सपेरिमेंट को खुद करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी एक तरीके का वेव होता है, जैसा कि मैटर वेव और मैकेनिकल वेव होते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे इसका डेफिनेशन आपके सामने लिखा है, द वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोपेगेटिंग थ्रू स्पेस कैरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियंट एनर्जी। इट इंक्लूड रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड लाइट, अल्ट्रावायलेट एक्सरे एंड गामा रेज। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको समझा दूँ, आपको एक बार में पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, बोलने का मतलब ये है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्पेस में फैलती है और इसके अंदर रेडियंट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियंट एनर्जी होती है। और ये किन किन चीज़ों के, किन वेव्स के अंदर होती है? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड लाइट, एक्सरे एंड गामा रेज। तो दोस्तों, ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों, एक्सरे सुन के तो आपको पता ही चल गया होगा कि यहाँ जाहिर सी बात है, हम एक्सरे के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जी हाँ, इसका हम एक्सरे में भी यूज़ करते हैं। दूसरा, आपका इसका यूज़ बताओ तो वायरलेस कम्युनिकेशन में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और इवन रडार सिस्टम में भी इसका यूज़ होता है, और कॉमनली हमारे घरों में भी ईएम वेव का यूज़ है। माइक्रोवेव में हम खाना बनाते हैं भाई, माइक्रोवेव में यूज़ होता है इसका। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको चार पांच यूज़ेस बता दिया हूँ। इसके और भी कई सारे यूज़ेस हैं, अगर यूज़ेस की बताने लगा तो उसके लिए फिर एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या फिर गूगल कर लो यार, ज़माना मॉडर्न है। तो दोस्तों, हम यहाँ तक इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले लिए हैं, अब हम देख लेते हैं एक्चुअल में ये वेव दिखता कैसे है यार। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ये जो एनिमेशन दिख रहा है ना, एक्चुअल में यही ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और आप देख सकते हैं ये स्पेस है, ये क्या है, इसके आजू बाजू में क्या स्पेस है, ये इसमें फैलते जा रही है। तो दोस्तों, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। थ्योरी हमने कंप्लीट कर लिया, हम खुद भी इस पर प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाक से कर दो लाइक, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारा भाई ऐसी वीडियोस बनाते रहता है। मार दो अब भी बटन दबाओ, अभी गाना आया ना एमिवे का अब भी जाके पहली टिकट कटा रहा हूँ। तो फटाक से सब्सक्राइब बटन दबाओ और प्रैक्टिकल की तरफ आ जाओ। दोस्तों, प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको इस प्रैक्टिकल को घर पे नहीं परफॉर्म करना, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो इनपुट है वो 10,000 वोल्ट तक है, जो मैंने 220 से 10,000 वोल्ट में कन्वर्ट किया है इस ESD की मदद से। अगर आपको इसको बनाना है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो गाइस, यहाँ से जो 10,000 वोल्ट प्रोड्यूस होता है उसको, उसके आगे हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, जो कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है, फिर उसके आगे हमारे ट्रांसमीटर में भेज देता है। तो गाइज, अब आगे आप एक्सपेरिमेंट ध्यान से देखो। उम्मीद करता हूँ गाइज मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और फिजिक्स का ये टॉपिक आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, अगर अच्छी लग ही गई है तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। यार, तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो मोटिवेशन मिलता है यार और वीडियोस बनाने का। तो फटाक से कर दो और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करो जो इसमें रियली इंटरेस्ट रखते हैं। तो बाय बाय, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।